Good afternoon, friends. We are back with Gunaji, right? Gunaji is from Goa. Although I should not say it is supposed to be the land of cashew, and वो फेनी होता है उधर. हम लोग गए थे गोवा बहुत पहले. So the Goa people were having like Goa carnival होता है, for Indian International Film Festival is celebrated there. Yeah. So now Gunaji will talk about his award. He's won this prestigious National Youth Affairs Award 2017-18. So please tell us about your award, sir. मैं 2015-16 में गोवा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल में चुना के काम कर रहा था. उसके बाद नेहरू युवा केंद्र से NSS वॉलंटियर 2 साल से काम किया. उसके बाद डेंटल चेकअप कैंप, फ्री क्लीनिंग, रूट कैनल, ये सब कुछ मैंने 20 ऑर्गेनाइज किया है. मोर देन 2000 लोगों को बेनिफिट हुआ है. उसके बाद हर महीने में 3 ब्लड डोनेशन कैंप रहते हैं डेली, और ऑल्सो अवेयरनेस ऑन ब्लड डोनेशन हम करते हैं. और नशा मुक्त भारत कैंपेन के द्वारा हम डिस्ट्रिक्ट कमेटी में काम करते हैं अवेयरनेस ऑन नशा मुक्त भारत. स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है उसमें? हाँ, स्टेट अंडर द कलेक्टर, चेयरमैनशिप ऑफ कलेक्टर, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस प्रोग्राम. कलेक्टर अभी जो आपके साथ जुड़े हैं, कौन है कलेक्टर, उनका नाम? रॉय है, मिस्टर रॉय. या ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से अबाउट दिस अवार्ड टुडे, एंड क्या, व्हाट इज द फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान अवेयरनेस ऑन वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स और नशा मुक्त भारत से, जो अभी गोवा में टूरिस्ट भी बढ़ रहा है, तो अवेयरनेस हमारी चालू है, अवेयरनेस और बाकी लाइक अवेयरनेस ऑन वेरियस थ्रू मीडिया एंड पोस्टर द्वारा चालू है. या ये कि आज सब नेशनल अवार्डी से कहना चाहता हूँ कि हम देश के लिए सब एकजुट के काम करेंगे और नई पहचान, देश को नई पहचान देंगे. ओके, थैंक यू. थैंक यू. वंस